ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा भाई होश में करना, डिस्कशन फिर से हो रहा है। अगेन ये ब्लिंक ऑफ एन आई में होने वाली चीजें नहीं है। लैंग्वेज जैसी है क्या कर सकते हैं, हम तो उनके दिमाग में घुसेंगे नहीं। ये फिक्स पॉइंट है ना, एफ सी इक्वल टू सी, ऐसे एग्जैक्टली टू। जिसने कल का क्लास किया सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी सब तो हवा में गोलियां चलाओ। जिसने क्लास क्लास की है ओनली ओनली दैट पर्सन कैन डू, या जिसको वो चीज पहले से रियलाइज्ड है। आपको पता है ना पहले क्या मानते थे, कि अर्थ सन के और चारों तरफ घूमती है या सन अर्थ के चारों तरफ घूमते है, पहले क्या मानते थे? तो बाद में क्या चीज निकल के आई, क्या मानते थे पहले, है ना, उल्टा मानते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले ही पॉइंट करेक्ट, मतलब कहीं से देख लिया है आपने या किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो पहले ही करेक्ट बोलेंगे। आपको जो कल बताया गया था वो अप्लाई कीजिए, उसके बिना आपका काम नहीं होगा। अब जरा यहाँ ये कल आपको ग्राफिकली समझाया था, खूब समझाया था कि भाई जब तक आप ऐसे नहीं चलेंगे आपका काम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो दिस इज, ये भी मान लीजिए। बराबर लग रहे हैं ना, ए भी कुछ, क्योंकि हमारा भी यहाँ गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। आइए जरा, यस वाई इक्वल टू एक्स, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी, यानी ये लाइन है आपका वाई इक्वल टू एक्स। ओके फाइन, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स, को टच नहीं करेंगे हम एंड तक, इसको टच नहीं करना। और क्या बोल रहे हो, और भी दिया उन्होंने, उन्होंने बोला भाई कि ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि कॉन्टिन्यूस है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही है, और जिसके लिए एफ ए मतलब हाइट एट ए वो ए से कम है। तो एफ ए दिस इज योर ए, ओके ये ए से कम है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लेते हैं, बोल दिया ना उन्होंने। और एफ बी क्या चीज से ज्यादा है, ओहो ऊपर लेना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये उन्होंने दिया है अभी। अगेन आपने अगर कल का क्लास रिकॉर्डिंग में भी देखा है तो भी आप बात समझ जाएंगे, भाई दिस इज हाइट एट ए, यहाँ एफ ए लिख रहे हैं एग्जैक्टली, ये पॉइंट, ये जो व्हाइट वाला पॉइंट होगा ये ए एफ ए होगा, यहाँ एफ भी लिखा ही हुआ है वैसे, फिर भी हम लिख देते हैं। तो कंडीशन क्या गिवन है, एफ ए वाई इक्वल टू ए से नीचे रहे और एफ बी वाई इक्वल टू बी से ऊपर रहे, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाइट, हाँ जी जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाइट और ये वाइट को ज्वाइन कराना है। बहुत सारे तरीके से करा सकते हैं, वे नंबर वन, अब
स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होते हुए बिल्कुल हो गया, जस्ट वेट भाई, दिस इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बोला ही था उसने, कॉन्टिन्यूस सब कुछ सारी चीजें सेटिस्फाई करता हुआ ग्राफ है, और यहाँ एग्जैक्टली वन आ रहा है। अब एग्जैक्टली वन आ रहा है तो एग्जैक्टली टू नहीं आएगा, और इनफाइनाइट भी नहीं आएगा, और नो फिक्स पॉइंट भी है, बट एक और ग्राफ बन सकता है जो ऐसे आप बता दीजिएगा नहीं पॉसिबल, तो ध्यान से देखिए, ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे उठा दीजिए, बट दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। अब ये पिक्चर देख के बताइए, ये जो व्हाइट वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाई इक्वल टू एक्स को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, आप क्या करोगे? डिनाई तो कर नहीं सकते, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही गड़बड़ कर दिया, हम क्या करें? तो उनको इसकी जगह ये जो लिखा है ना एग्जैक्टली वन, भाई कायदे से सच में ये एग्जैक्टली वन नहीं होना चाहिए। कहाँ एग्जैक्टली वन आप भी बता दो ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, और ये दोनों चीजें भी सेटिस्फाई हो रही है, और ये y इक्वल टू एक्स को इनफाइनेटली मैंने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली वन की जगह लिखना चाहिए इनको, क्या लिखना चाहिए था? एटलीस्ट वन। ये इसमें गलती है भाई, मैंने अर्थ और सन का एग्जाम्पल आपको दिया था, है गलती तुम्हारे सामने देख लो, कौन मना कर रहा है? क्या आंसर करेक्ट होगा? आंसर तो कोई भी अभी राइट ना हो तो कुछ भी करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है इनका, बट अगर इन्होंने यहाँ इसकी जगह एटलीस्ट वन दे दिया तो पहले वाला ही करेक्ट, क्योंकि इस वाले ग्राफ में तो इनफिनिट पॉइंट्स हैं, और जो पहले बनाया था उसमें एग्जैक्टली वन ही था, तो एटलीस्ट वन वाला ठीक है, टू वाला तो कभी बनेगा ही नहीं, तो फिर यू नो दो बार कट करना पड़ेगा उसमें गड़बड़, छोड़ दो उसको, थ्री वाला फोर वाला सब ठीक है, सब हो सकता है, अपनी क्लैरिटी के हिसाब से चलिए, ठीक है ना? उन्होंने ये दिया था, ये होना नहीं चाहिए ना, कैसे हो गए भाई? ये है ना, ये कंडीशन आपके सामने ग्राफ है, देख लो, अब डिनाई वही अर्थ और सन वाली बात आ गई।